मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो है सापुतारा, गुजरात का एकमात्र हिल स्टेशन। यहाँ पर देश भर के लोग घूमने फिरने आते हैं। टूरिस्टों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर हर प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे कि बोटिंग, रोपवे और गार्डन्स। ये सापुतारा का टेबल पॉइंट है और हर वीकेंड यहाँ पे सैकड़ों पर्यटक आते हैं। यहाँ पर रहने की कोई समस्या नहीं, यहाँ आपको सस्ती से सस्ती होटल और 3 स्टार होटल भी मिल जाएंगी। क्या लगता है, सापुतारा ऐसे ही बस गया? जी नहीं, इसको बसाने के लिए यहाँ के मूल निवासियों ने अपने घर बार अपनी ज़मीनें छोड़ी। सापुतारा में हमारी ज़मीन हमारा पास थी जबरदस्ती ले ली थी 1970 में, त्यांथी हमने नवा गाम खसेड़वामां आव्यो। सापुतारा बसाने के लिए जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें छोड़ी उनको बसाया गया सापुतारा से 3 किलोमीटर दूर इन पहाड़ियों के बीच, लेकिन आज उन्हें यहाँ से भी हटाने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, उनको ये जगह खाली करने के लिए नोटिस दी जा रही है। कलेक्टरे 8 दिवस की खाली मुदत आपेली है, जो घरों उठी जाइए अने एना माटे पण अमारा जे अमारी जगह है अमे कोई दिवस छोड़ी नहीं। अमे सापुतारामां 450 एकर जमीन गुमावेली है अने खाली अमने 6 एकर में नवा गाम अमारुं गाम है। 20 वर्षथी लगभग फरियाद करे छे कि अमारा घर नाम पर करो। ज्यारे तमे जोवा जाओ कि सापुतारा तात्कालिक प्लॉटो नाम पर करी आपवामां आवे छे, ज्यारे नवा गामने अमारे आज सुधी कोई पण नाम पर करवामां नहीं आव्युं। ए खरेखर अमारी साथे સારો વ્યવહાર ન કહેવાય સરકારનો, કે ખરેખર આદિવાસીઓ છે એના હિસાબે એવું કરે છે કે શું એ અમને ખ્યાલ નથી કે આદિવાસીઓ પૈસા રહેતા નથી, જ્યારે આ બહારની પાર્ટીઓ આવે છે એમના પાસે કદાચ પૈસા લઈને કરવા માંગતા હોય। એક બસા બસાયા ગાંવ દોબારા ઉઠાને કી કોશિશ કી જા રહી હૈ, લેકિન ઇસ બાર નવાગામ કે લોગોને આરપાર કી ઠાન લી હૈ। અબ યે તો સમય હી બતાયેગા કે કોન જીતેગા કોન હારેગા। જો અમારા નામ પર જો જમીન ના થાય તો અમે ખરેખર લડત કરીશું, અને અમારે હકની જમીન છે એના માટે અમારે જે પણ પગલાં લેવામાં આવશે અમે કરવા માટે એકદમ તૈયાર જ છે। જોઈએ તો રસ્તા રોકો આંદોલન, ભૂખ હડતાલ જે પણ અમારથી થાય એ બધું કરીશું, એટલે કરીશું। ઇન્ડિયા અનહર્ડ કે લીએ મેં રોશન સાપુતારા સે।